हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज हिमांशु दवे, बीटेक फ्रॉम बीआईटी बेंगलोर एंड एमटेक फ्रॉम एमबीएम जोधपुर। मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज दूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी है, इससे पहले हमने इसका जो प्री सब्जेक्ट है वो है सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी के अंदर हम देखते हैं कि जो भी हम डिस्कशन करते हैं वो एक आइडिया केस के अंदर किया जाता है, लेकिन ऐसा हर बार होता नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होता है उसका इफेक्ट पड़ता है हमारे सर्किट के ऊपर। उन सब चीजों का हमारे सर्किट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर स्टडी करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअली होता क्या है। इंटरेक्शन ऑफ फील्ड जनरेटेड बाय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड करंट, मतलब जो फील्ड जनरेट हुआ है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से और करंट से, उन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होता है इसी स्टडी में करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। और एक चीज हमको इसमें खास ध्यान रखनी है क्या, कि जो सभी होता है टाइम होता है टाइम वेरिंग फील्ड के अंदर होता है, टाइम वेरिंग चलता है इसमें, है ना। तो जैसे हमने सर्किट थ्योरी के अंदर पढ़ा है, जैसे एक सर्किट है यहाँ पे अपना साइनस वेव लेंस आ रही है, यहाँ से अपना अपने इनपुट दे रहा है, ठीक है, और टी इक्वल टू जीरो के ऊपर अपन इसको इनपुट अगर देते हैं, ठीक है, टी इक्वल टू जीरो के ऊपर अपने इसको इनपुट दे रहे हैं। तो इस टाइम पे होना क्या चाहिए, सर्किट थ्योरी के हिसाब से क्या होना चाहिए, कि जो भी हमने यहाँ पे वोल्टेज लगा रखा है, वोल्टेज को जो भी हमने लगा रखा है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, आउटपुट के ऊपर आ जाना चाहिए, यहाँ पे आ जाना चाहिए, जो भी हमने लगा रखा है वहाँ पे यहाँ पे आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा सच में होता है, वैसा सच में नहीं होता। अगर अपन को ऑप्शन दिए जाए जैसे कि पहला ऑप्शन है नथिंग, कुछ नहीं होता, तो ये ऑप्शन हम किसके हिसाब से करेंगे, सर्किट थ्योरी के हिसाब से लगा सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन क्या है, करंट विल फ्लो फॉर शॉर्ट टाइम, अगर यहाँ पे आपका इसके ऊपर चार्ज है तो हम लोग चार्ज हो सकता है, करंट फ्लो होगी उसको टाइम नहीं होगा ना। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, आउटकम डिपेंड ऑन लेंथ एंड शेप ऑफ वायर, लेंथ और शेप पे, तो लेंथ और शेप के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो क्या नेटवर्क थ्योरी के अंदर अपने एक चीज कंसिडर करी थी, वहां पर एक चीज कंसिडर नहीं करी, ठीक है। चौथा आउटकम क्या है, आउटकम डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स की फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी उसका आउटकम डिपेंड करेगा। तो ये सब चीजें हमने पहले आईडी केस के अंदर डिस्कस नहीं करी थी, वो सारी चीजें अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट अपन इंट्रोडक्शन लेंगे, क्या क्या चैप्टर अपन को पढ़ने हैं और उसके उस हर चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें अपन को सीखनी है उसके बारे में जानेंगे। सो पहले हमने जाना कि कैसे अपन को इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, अपन को सब्जेक्ट की पढ़ने की जरूरत क्यों है। अब हम जानेंगे कि इसका क्या सिलेबस है। तो यूनिट वन के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, ट्रांसमिशन लाइन के बारे में हम क्या देखेंगे, जैसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, इसके अंदर अपन देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन किस किस तरीके की होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। सेकेंड हम इसके अंदर देखेंगे पावर ट्रांसमिशन एंड ट्रांसमिशन लाइन, किस तरीके से इसके अंदर पावर का ट्रांसमिशन किया जाता है, वन एंड टू साइड एंड, या फिर हम कह सकते हैं कि सोर्स एंड से लोड एंड की तरफ ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है पावर का। थर्ड है एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, इतना सा होने पर इसका उनका एनालिसिस करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट हम जो यूनिट है वो मैक्सवेल इक्वेशन के ऊपर, मैक्सवेल इक्वेशन के सबसे पहले अपन देखेंगे बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की जो बेसिक लॉ है उसके ऊपर ध्यान देंगे। फिर सेकेंडरी चीज है इसके अंदर मैक्सवेल इक्वेशन एंड बाउंड्री कंडीशन, जो मैक्सवेल इक्वेशन है उससे हमें क्या पता लगता है और उसकी क्या क्या बाउंड्री कंडीशन है उसको कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में अपन सीखेंगे यूनिट टू के अंदर। थर्ड यूनिट है यूनिफॉर्म प्लेन वेव, यूनिफॉर्म प्लेन वेव क्या है, वेव के बारे में हम जानेंगे, वेव की डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन के बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। तो पहले अपन देखेंगे वेव इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, किस तरीके से उनकी इक्वेशन फॉर्म होती है, किस तरीके से उनका सॉल्यूशन देखा जाता है। सेकेंड है वेव प्रोपोगेशन एंड पोलराइजेशन, इसके बाद अपन देखेंगे कि यूनिट फोर के अंदर प्लेन वेव एट मीडिया इंटरफेरेंस, मीडिया इंटरफेरेंस के बाद में जो हमारी वेव है जो हमने यूनिट थ्री के अंदर पढ़ी है उसकी इक्वेशन जो पढ़ी है उनके अंदर क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आता है वो हम देखेंगे यूनिट फोर के अंदर, चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव ड्यू टू मीडिया इंटरफेस, इंटरफेस के कारण जो मीडिया जो वेव की प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आ रहा है उसके ऊपर अपन ध्यान देंगे। तो इसके बाद यूनिट फाइव और यूनिट सिक्स के बारे में देखेंगे। तो इसके बाद यूनिट फाइव की बारी आती है, यूनिट फाइव के अंदर वेव को गाइड करना सीखेंगे, जो पहले अपन यूनिट फोर तक पढ़ा है उसके अंदर वेव वेव फ्री रहे, उसके अंदर वेव को एक्स्ट्रा अपन गाइड नहीं करेंगे, वो किसी पाथ की तरफ जा सकती है। लेकिन यूनिट फाइव के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर टू गाइड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको इस तरीके से गाइड किया जाएगा, उसको इस तरीके से रखा जाएगा ताकि उसका डिस्ट्रक्शन और कई तरीके से किसी मीडियम के अंदर नहीं है, ठीक है। इसके बाद मेटल एंड डायलैक्ट्रिक वेव गाइड, मेटल को और डायलैक्ट्रिक मीडियम को हम यूज करेंगे वेव को गाइड करने के लिए ताकि वो किसी मीडियम के अंदर एंटर नहीं करे। और फाइनली अपन आएंगे एंटीनास के ऊपर, जो है यूनिट सिक्स, एंटीनास के अंदर क्या है, एंटीनास जो अपन ने वेव थ्योरी पढ़ी है, अपना जो अपने पांच यूनिट पढ़ी है उसका एप्लीकेशन है, एंटीनास के अंदर किस तरीके से वेव थ्योरी को यूज किया जाता है वो अपन यूनिट सिक्स के अंदर पढ़ेंगे, वेव थ्योरी एप्लीकेशन एंटीनास। तो ये अपना सिलेबस रहेगा और इस तरीके से अपन